हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री में राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों के नाम से आप सभी जानकार हैं, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति से पूर्व हम पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखेंगे। आपको जैसे पता ही है कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन समाप्ति के पश्चात उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई, और छोटे राज्यों की स्थापना के परिणाम स्वरूप राजनीतिक विघटन या राजनीतिक विशृंखलता की स्थिति आ गई। केंद्रीय कृत शासन के अभाव में ये छोटे छोटे जो राज्य थे, इनमें जैसे कि बुंदेलखंड में चंदेल, कन्नौज में गहड़वाल, मालवा में प्रतिहार और परमार, बंगाल में पाल और सेन, सांभर और अजमेर में चौहान, इस तरह ये छोटे छोटे और मेवाड़ में गुल्लौत, इन्होंने अपनी शासन की स्थापना कर ली। और ये जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 12वीं शताब्दी तक का युग है, ये फिर राजपूत युग के नाम से जाना गया। राजपूत शब्द वैसे कोई नया नहीं था। अगर हम अपने वैदिक साहित्य को देखें या अपने प्रारंभिक ग्रंथों को देखें, तो उनमें भी राजपुत्र शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भी मैंने बताया है कि राजपूत शब्द संस्कृत के राजन्य शब्द से बना है, लेकिन धीरे धीरे इसका, जब ये बोलचाल की भाषा में आया तो इसका अपभ्रंश हो गया और ये राजपूत शब्द बन गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये शब्द जो है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में तो हमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में पता चलता है, लेकिन इसका प्रयोग समय पहले से होता चला आया है। जैसे कि चाणक्य, कालिदास, ह्वेनसांग का वर्णन, बाणभट्ट की ने जो साहित्य लिखा, उन सब में हमें राजपूत या क्षत्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार मनुस्मृति और वेदों में भी राजपुत्र शब्द का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। वेदों में राजन्य शब्द का इनके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो क्षत्रिय, जो कि राजकार्य करा करते थे, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता था, और बाद में आगे आने वाले समय में ये बदलकर राजपूत कहे जाने लगे। मुसलमानों के जब आक्रमण हुए 11वीं और 12वीं शताब्दी में, उससे पहले इन्हें जाति के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन उनके आक्रमण के पश्चात ये राजपूत जो हैं एक जाति के रूप में उभर कर आए। अब वैसे प्राचीन समय से लेकर और मुस्लिम आक्रमण के पूर्व तक राजपूत शब्द कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता था। और अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो क्षत्रिय थे ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तो इसलिए, लेकिन वो इन्हें आर्यों की संतान ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके यहाँ ये क्वेश्चन लिया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ मैं आपको डिटेल में उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मनुस्मृति में राजपूतों को पहला हम देखते हैं वैदिक क्षत्रियों की संतान। इसके जो समर्थक हैं उनमें ओझा,
और चिंतामणि वैद्य तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा मुख्य रूप से इसके समर्थक हैं। मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। इसी प्रकार यदि हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को देखते हैं तो उसमें भी जो बताया गया है क्षत्रियों को ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न बताया गया है। इसका मतलब क्षत्रियों का कार्य क्या है, लोगों की रक्षा करने का कार्य उन्हें दिया गया। तो इन लोगों का ये मानना है कि ये लोग वैदिक क्षत्रियों की संतान रहे होंगे। सातवीं शताब्दी के बाद जब क्षत्रियों का महत्व या कहना चाहिए कम होने, उनकी शक्ति कम होने लगी, वो अन्य तीन वर्णों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए, तब संभवतः ये शब्द निकलकर, राजपूत शब्द निकलकर आया। एक शिलालेख में इन्हें दैवीय शक्तियों से उत्पन्न भी बताया गया है। और यदि हम ओझा और चिंतामणि वैद्य का अध्ययन करते हैं तो उनका ये मानना है कि ये भारतीय आर्यों के संतान थे और इनके जो शारीरिक गठन था, इनके जो कार्यकलाप थे, अस्त्र शस्त्र की ये पूजा करा करते थे, अश्व का प्रयोग करा करते थे, अश्व को पूजते थे, तो उन चीजों के आधार पर इनकी ये मान्यता है। और साथ ही साथ ये यज्ञ और बलि में भी विश्वास रखते थे, तो इसलिए हमें इन्हें क्या मानना चाहिए कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, अभी अन्य बहुत सारे मत हैं जिनके आधार पर हमें थोड़ा स्पष्ट करना होगा। अब दूसरा मत है वो है अग्नि कुंड से उत्पत्ति। आपने चनबरदाई का नाम सुना होगा। चनबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख किया है कि एक समय आबू पर्वत पर विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि आदि यज्ञ कार्य कर रहे थे, तो उस यज्ञ कार्य में कुछ दस्यु जो थे वो बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे समय में इन ऋषियों ने चार जातियों का वो करा आह्वान किया और उनके प्रताप से यज्ञ कुंड से चार राजपूतों का उदय हुआ। और वो कौन से थे, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। तो उनका ये मानना है चनबरदाई के अनुसार कि ये इनकी उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। लेकिन ये बात सही प्रतीत नहीं होती कि किसी वंश की किसी व्यक्ति की उत्पत्ति अग्नि से हुई हो। संभवतः चनबरदाई ने जो लिखा उसे समझने में कहीं पर भूल हुई है। ऐसा लगता है कि चनबरदाई का ये मानना रहा होगा कि जब क्षत्रिय अपने कार्यों से विमुख होने लगे या जब बहुत सी विदेशी शक्तियां भारत में आने लगी और वो राज्य की रक्षा करने में उतने समर्थ नहीं थे, तब ऋषियों ने इन्हें अग्नि के द्वारा शुद्ध किया होगा और संभवतः तब उन्होंने जो अपनी बात कही उसे हम अग्नि कुंड से उत्पत्ति मान लेते हैं। नहीं तो आजकल अग्नि कुंड से उत्पत्ति की बात बिल्कुल भी यथार्थ न आज या पहले भी यथार्थ नहीं थी। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई है। डॉक्टर की ये ब्राह्मणों के वंशज रहे होंगे। डॉक्टर डी आर भंडारकर का मानना है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, वो इस बात के प्रबल समर्थक हैं। और जोधपुर के प्रतिहार, उनका वो ये कहते हैं कि जोधपुर के प्रतिहार जो थे वो ब्राह्मण वंश के थे। कुछ विद्वानों की ये भी मान्यता है कि पहले ब्राह्मण भी राज कार्य करा करते थे। जैसे कि यदि हम रामायण काल में देखते हैं तो रावण, लंका का जो राजा था, वो भी ब्राह्मण था। तो कि प्रारंभ में
जो राज कार्य था वो ब्राह्मणों के अधीन रहा होगा, लेकिन बाद में समय के आते आते ये क्षत्रिय लोग जो थे ये राज्य कार्य करने लगे, क्योंकि ये ज्यादा शारीरिक दृष्टि से शक्ति संपन्न और राज्य की रक्षा करने का भार इन्हें दिया गया। तो और पिंगल सूत्र जो है, पिंगल सूत्र में भी राजपूतों को ब्राह्मण की संतान माना गया है। इसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर ओझा का भी ये मानना है कि मेवाड़ के गुहिलोत जो थे वो नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान थे। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणों की संतान रहे होंगे या ब्राह्मणों के वंशज इन्हें माना जाना चाहिए। अब एक अन्य वो आता है तथ्य कि कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्य और चंद्रवंशी मानते हैं। अपने मत के समर्थन में वे कहते हैं कि इतिहास में हमें चंद्रवंशी श्री कृष्ण और अर्जुन और सूर्यवंशी श्री राम और श्री लक्ष्मण का जो उल्लेख मिलता है, तो संभवतः ये जो राजपूत हैं ये उन्हीं के वंशज रहे होंगे। इन लोगों के अलावा चित्तौड़ का 274 ईस्वी का और अंकलेश्वर का 285 ईस्वी का शिलालेख भी इस बात की पुष्टि करता है कि ये लोग चंद्रवंशी और सूर्यवंशी थे। साथ ही साथ अग्नि पुराण में भी ये कहा गया है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन और सूर्यवंशी लव कुश के वंशज ही राजपूत कहना है। तो इस आधार पर हम अगर देखें कि चित्तौड़ और अंकलेश्वर का शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख, अग्नि पुराण और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कि आधुनिक इतिहासकार हैं, वो भी इस बात को अधिक महत्व देते हैं कि राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी रहे। अब एक कथन और है जिसमें कि इन्हें विदेशियों की संतान माना गया है, और विदेशियों की संतान मानने वाले जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल टॉड का नाम उसमें सर्वप्रमुख है। उनका ये मानना है कि ये लोग शक सीथियन जो विदेशी जाति के लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से, कि ये लोग शक सीथियन की संतान हैं, तो इसलिए इन्हें विदेशी मानना चाहिए। और उनके इसी मत का समर्थन लगभग विलियम क्रूप महोदय ने भी किया है। विलियम क्रूप भी ये मानते हैं कि विलियम क्रूप और वी ए स्मिथ साहब, उनका ये मानना है कि ये जो राजपूत थे इनके और हूम तथा जो शक थे उनकी जो परंपराएं थी, उनके जो कार्यकाज थे, ये सब आपस में मिलते जुलते थे। और ये कहा जाता है इन लोगों का कि ये मान्यता है इन इतिहासकारों की कि जब ये लोग मध्य एशिया से आकर यहाँ बस गए, जिनमें कि कुषाण जिन्हें यूची जाति के उससे माना जाता है कि ये लोग यहाँ बस गए, यहाँ की परंपराओं को इन्होंने अपना लिया, यहाँ की संस्कृति से ये पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया इन्होंने, यहाँ पर इनके वैवाहिक संबंध होने लगे और इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात इनसे जो उत्पन्न संतान थी वो जो थे वो राजपूत कहलाए। तो इस अपने मत के समर्थन में इन्होंने ये तर्क दिए हैं। लेकिन चाहे हम कितना ही इन अलग अलग तथ्यों को इन अलग अलग मतों पर विचार करें, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि ना तो इन राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ना ये विदेशियों की संतान थे, बल्कि ये भारतीय आर्यों के ही वो वंशज रहे थे। और
कि ये क्षत्रिय रहे होंगे, क्षत्रिय होने के साथ साथ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वाली बात जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और ओझा वगैरह आदि साहित्यकार कहते हैं उनके हिसाब से कि कुल मिलाकर मान्यता ये है कि ये भारतीय आर्यों की संतान थे और इनके जो रीति रिवाज हैं, धर्म वंशावलियां आदि हैं, वो सभी भी कैसी हैं, उनकी भारतीय होने को सिद्ध करती हैं। इस प्रकार इसीलिए कानूंगो कालिका रंजन कानूंगो महोदय का मत है कि राजपूत चाहे किसी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मत तो सारे ही लिखने हैं कि जिन जिन इतिहासकारों ने जिन मतों के आधार पर व्याख्या की है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों के आधार पर हमें राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों की संतान या आर्यों के वंशज के रूप में ही करनी चाहिए। थैंक यू।